हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूशन। मैं राहुल कुमार और आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। क्या मतलब होता है एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन का, चलिए इसे समझते हैं। आप जब भी कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को, और उसके बाद ही उसके क्वालिटी के बारे में डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि आपको अगर कोई मोबाइल ख़रीदना है तो आप उसके प्राइस को देखते हैं, किस कंपनी का है वो देखते हैं, उसका रैम कितने जीबी का है, कितने एक्सटर्नल मेमोरी, कितने जीबी तक वो सपोर्ट करता है, प्रोसेसर क्या है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड लाइक दिस बहुत से फैक्टर्स को आप देखते हैं, पैरामीटर्स को देखते हैं, पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। उसके बाद ही आप उसके क्वालिटी के बारे में डिसाइड करते हैं या फिर वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कहाँ तक सूटेबल है, सही है, ये आप जज कर पाते हैं। फिजिक्स में जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो हमें पता है किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको स्पीड को मेजर करना है तो स्पीडोमीटर का ज़रूरत होता है, गाड़ी वगैरह में लगा होता है, सामने में बाइक वगैरह पे आप देखे होंगे। टेम्परेचर को मेजर करना है तो थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। करेंट को मेजर करना है तो आमीटर की आवश्यकता होगी। लेंथ को मेजर करना है तो स्केल या टेप वगैरह का हम यूज करते हैं। टाइम को मेजर करना है, टाइम को देखना है तो घड़ी की सहायता लेते हैं, घड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट हुआ है एक तरह का, वो उसका हम यूज करते हैं, एंड लाइक दिस। तो अब जब किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें परचेज करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर कैसे उसके क्वालिटी के बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे जज करेंगे कि वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से कहाँ तक सही है, कहाँ तक सूटेबल है, किन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रेसीजन ऐसे ही दो पैरामीटर होते हैं जिनका हेल्प लेते हैं हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी को जज करने के लिए। हालांकि इसके अलावा भी और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, लिस्ट काउंट वगैरह, जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन ये क्लियर है कि दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी के बारे में या वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से कहाँ तक सूटेबल है, ये हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो अब एक्यूरेसी और प्रेसीजन होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट, इसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपका वेट जो है 60 किलोग्राम, आपका एक्चुअल वेट जो है वो 60 किलोग्राम है, जो कि यहाँ पे हम पहले से लिख चुके हैं, एक्चुअल वेट आपका 60 किलोग्राम है। इसको हम कहेंगे ये आपका एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है। नाउ अब आपके पास तीन वेइंग मशीन है। हम लोग डेली लाइफ में इस वेइंग मशीन को देख चुके हैं, राउंड शेप में होता है, ठीक है ना, जिस पर जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ पर मार्किंग किया हुआ होता है, एक निडिल होता है, और निडिल के मूवमेंट के हिसाब से वो फाइनली निडिल कहाँ पर जाकर रुका, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेरा कितना वैल्यू मेजर है, वो जो वेइंग मशीन है कितना वैल्यू को मेजर किया, उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। नाउ अब आपके पास तीन वेइंग मशीन है। सपोज कीजिए पहले वाले वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हैं, तो ये जो वैल्यू रीड करता है, जो वैल्यू मेजर करता है, जो रिजल्ट हमको देता है, दिस इज 30.6 किलोग्राम। आपका एक्चुअल वेट था 60 किलोग्राम और ये वैल्यू रीड किया 30.6 किलोग्राम। आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, 60 किलोग्राम और 30.6 किलोग्राम, काफ़ी गैपिंग है, काफ़ी सेपरेशन है, कोई क्लोजनेस नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो वेइंग मशीन है, पहला वाला जो वेइंग मशीन है, ये इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है। इसके ये जो वैल्यू मेजर करता है इसमें एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब होता है स्टूडेंट क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जो वैल्यू मेजर करता है और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू है, दोनों के बीच में कितना क्लोजनेस है। क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे एक्यूरेसी उतना ज़्यादा है, क्लोजनेस जितना कम होगा, जितना दोनों के बीच में गैपिंग सेपरेशन ज़्यादा होगा, हम कहेंगे कि एक्यूरेसी नहीं है या इनएक्यूरेट है। क्लियर है? अब देख सकते हैं दूसरे वाले केस में, जब आप दूसरे वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो सपोज कीजिए ये जो वैल्यू रीड करता है, जैसे 59.2 किलोग्राम, आपका एक्चुअल वैल्यू था 60 किलोग्राम, ये वैल्यू रीड किया 59.2 किलोग्राम, सेपरेशन क्लोजनेस है लेकिन ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है 60 किलोग्राम और 59.2 किलोग्राम के बीच में, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट है लेकिन लो एक्यूरेट है ये वेइंग मशीन, तो इसको हम कहेंगे कि ये लेस एक्यूरेट मशीन हो गया या इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्लियर है? तीसरे वाले केस में सपोज कीजिए जब आप खड़े होते हैं तो ये जो वैल्यू रीड करता है, जैसे 59.9 किलोग्राम, देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू रीड किया 59.9 किलोग्राम और जो आपका एक्चुअल जो वैल्यू था, एक्चुअल जो वेट था 60 किलोग्राम, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, मेजर्ड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है ये दोनों के बीच में काफ़ी क्लोजनेस है। तो हम कहेंगे कि ये जो वेइंग मशीन है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है,
इसका जो रिजल्ट जो होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं कुछ इस तरह से। एक्यूरेसी मीन्स, एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ, क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू मेजर किया, और जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है, दोनों के बीच के क्लोजनेस, ठीक है। द क्लोजर द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, द हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है इंस्ट्रूमेंट? जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, हम कहेंगे कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है इतना ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए प्रिसीजन को समझते हैं। इसी एग्जाम्पल में अब आप सपोज कीजिए कि पहले वाले जो वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए थे, तो फर्स्ट टाइम ये रीड किया था 30.6 किलोग्राम, ठीक है। सेकेंड टाइम आप उतर जाते हो, अगेन जब इस पे खड़े होते हैं तो ये सेकेंड टाइम ये रीड करता है 14.8 किलोग्राम, ठीक है। अगेन उतरने के बाद फिर थर्ड टाइम जब इसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो सपोज कीजिए ये जो रीड करता है 68.7 किलोग्राम। आप देख सकते हैं कि सेम वेइंग मशीन, ठीक है, जब आपका वेट को मेजर कर रहा है अलग अलग टाइम पे, तो ये तीनों वैल्यू में भी आपस में क्लोजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग है, गैपिंग है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है। 30.6, 14.8 काफ़ी फिर सेपरेशन हो गया, 14.8 का सीधे फिर 68.7 बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया, ठीक है। मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वेइंग मशीन है, सेम चीज़ का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का जब वैल्यू मेजर करता है अलग अलग टाइम पे, तो जो वैल्यू देता है उसमें आपस में भी क्लोजनेस नहीं है, आपस में भी क्लोजनेस नहीं है। ये ट्रू वैल्यू से तो काफी दूर है 60 किलोग्राम से, चलिए वो तो अलग बात था, आपस में भी ये जब वैल्यू रीड, जो अलग अलग टाइम पे वैल्यू दे रहा है, आपस में भी क्लोजनेस नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वेइंग मशीन जो है ये प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज बिल्कुल नहीं है, नॉट प्रिसाइज। प्रेसीजन का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक ही इंस्ट्रूमेंट जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मेजर करता है अलग अलग टाइम पे, तो वो जो डिफरेंट वैल्यू मेजर्ड किया उसमें आपस में कितना क्लोजनेस है, क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू, क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड प्रेसिजन, सिंपल, ठीक है ना। अब जैसे सेकेंड वाले केस में, आप सेकेंड वेइंग मशीन में फर्स्ट टाइम जब खड़े हुए थे, तो ये कितना वैल्यू रीड किया था, 59.2 किलोग्राम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेकेंड टाइम जब उतरने का, फिर से जब आप इस पर खड़े होते हैं, तो ये वैल्यू रीड किया 58.9 किलोग्राम, और थर्ड टाइम जब ये वैल्यू रीड किया, दिस इज 59.7 किलोग्राम। आप देख सकते हैं ये तीनों वैल्यू के बीच में क्लोजनेस है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, थोड़ा क्लोजनेस है। मतलब कहेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वेइंग मशीन है, ये लेस प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रेसीजन नहीं है, लेस प्रिसाइज है। ये जो वैल्यू रीड करता है, जो वैल्यू मेजर करता है, वो सारे वैल्यू के बीच में थोड़ा क्लोजनेस होता है। क्लियर है? थर्ड वाले केस में, थर्ड वेइंग मशीन पे जब आप खड़े हुए थे फर्स्ट टाइम, तो ये रीड किया था 59.9 किलोग्राम, चलिए ठीक है। सेकेंड टाइम जब उतरने का, फिर से आप इस पे खड़े होते हैं, तो ये वैल्यू सब कुछ रीड करता है 60 किलोग्राम, और थर्ड टाइम अगेन जब आप इस पे उतरने का खड़े होते हैं, तो 59.8 किलोग्राम। आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू आपस में काफ़ी क्लोज है, ये तीनों वैल्यू आपस में काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये वेइंग मशीन जब भी वैल्यू रीड करेगा, जब भी आपको रीडिंग देगा, तो वो सारे रीडिंग्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो वेइंग मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हाईली प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रेसिजन का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रेसाइज है, इसका मतलब वो जब भी वैल्यू को रीड करेगा, जब भी जो वैल्यू मेजर करेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होगा। सेम चीज़ को यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं। प्रेसिजन का मतलब, प्रेसिजन मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज अमॉन्ग देमसेल्व्स, मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस है, ठीक है। एक हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट जो हाईली प्रिसाइज है, मीन्स उसका मतलब होता है ऑल द मेजर्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू वो मेजर किया है बाय द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है एक्यूरेसी प्रेसीजन को क्लियर करने का, ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर पहले से हम बना चुके हैं। आप बच्चे वगैरह, एक डार्ट चार्ट होता है जिसमें एरो, छोटा छोटा एरो होता है, आपको उसमें फेंकना होता है, एक टारगेट दिया होता है, ये बीच का सेंट्रल स्पॉट है, आपको वहाँ पर सारे एरो को फेंकना है, लाइक दिस, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास चार एरो है, चारों एरो को आपको एक एक करके फेंकना है, आपका टारगेट है कि वो मेरा चारों एरो जो है वो सेंटर पे चला जाए, जो मेरा गोल जो है, मेरा जो टारगेट है, जो मेरा ट्रू वैल्यू है, इसको अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, वहाँ पर इसको हमको फेंकना है, चलिए ठीक है। सपोज कीजिए फर्स्ट केस में आप चारों एरो को फेंकें, चारों एरो का स्पॉट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अलग अलग, एक बार आपने जब फेंका तो एक एरो यहाँ पर चला गया, दूसरा एरो यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ, लाइक दिस।
आप देख सकते हैं आपके द्वारा जो एरो फेंका गया, ठीक है ना, वो आपस में तो क्लोज नहीं ही है, आपस में भी क्लोज नहीं है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, आपस में क्लोज नहीं है मतलब प्रिसाइज नहीं है। और साथ ही साथ ये चारों जो है वो ट्रू जो वैल्यू है, जो आपका गोल है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे भी काफी दूर है, उससे भी काफी दूर है। मतलब ये केस हुआ कि ना तो प्रिसाइज हुआ और ना एक्यूरेट हुआ, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज का ये केस हो गया। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट। दूसरा सपोज कीजिए कि सेकेंड टाइम, चलिए अब आपने चारों एरो को फिर से लिया अपने हाथ में और फिर से आप उसको फेंकना शुरू किए। सेकेंड टाइम में चारों एरो को आप जब फेंके तो चारों इस तरह से, एक एरो यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पर फॉल हो। क्लियर है, आप देख सकते हैं इस बार ये चारों एरो आपका काफी क्लोज, एक दूसरे के काफी क्लोज हिट किया, एक जगह पर ऑलमोस्ट हिट किया, हालांकि वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है। तो हम कहेंगे कि आपस में ये प्रिसाइज तो है, दिस इज द केस ऑफ प्रिसाइज, प्रिसाइज तो है जब जब अलग अलग टाइम में जो वो हिट किया एक ही जगह हिट किया, लेकिन ट्रू वैल्यू से जो एक्चुअल जो स्पॉट से काफी दूर है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्लियर है स्टूडेंट। थर्ड केस में सपोज कीजिए, फॉर्चुनेटली या फिर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है उसके आधार पे, जैसे भी है, आपने चारों एरो को बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट सेंटर पर हिट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो बात क्लियर है कि चारों हिट कर दिए एकदम ट्रू वैल्यू पे, एक्चुअल जो वैल्यू है वहाँ उसके नजदीक काफी पहुंच गए हैं, तो दिस इज द केस ऑफ एक्यूरेट, ये हाईली एक्यूरेट हुआ, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है और साथ ही साथ हाईली प्रिसाइज भी है, चारों के बीच में भी जो चारों अलग अलग टाइम में जो एरो हिट किए उसमें आपस में भी काफी क्लोजनेस है उसके स्पॉट्स में, ठीक है ना। तो दिस इज द केस ऑफ हाई एक्यूरेट एंड हाई प्रिसाइज। चौथे वाले केस में सपोज कीजिए कि यहां पर आपने जो चार एरो जो हिट किया, ठीक है ना, ये चारों एरो जो है आपके जो ट्रू वैल्यू है, जो गोल है आपका, जो सेंटर है उसके काफी नजदीक है, तो एक्यूरेट तो है लेकिन ये सब में आपस में थोड़ा थोड़ा सेपरेशन है, चारों के जो स्पॉट में उसमें थोड़ा थोड़ा सेपरेशन है, मतलब प्रिसीजन है लेकिन कम है। सो दिस इज द केस ऑफ लो प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। आई होप कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट को आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ का ही साइंस है फिजिक्स, इनफैक्ट यूज भी करना चाहिए सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब ये एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, तो आप इसको अपने डेली लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल समझिए कि कोई चोर जो है वो चोरी किया है, अब पुलिस उसको पकड़ कर ले गई है, लेकिन थाने में वो बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, उससे जब भी पूछा जा रहा है तो वो एक ही बात कर रहा है, नहीं कि हम चोरी नहीं किए। क्लियर है। सो वो आदमी, वो चोर जो है प्रिसाइज है, उसमें हाईली प्रिसाइज है, उसका जो जवाब है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है। क्लियर है। वो अपने जवाब से मुकर नहीं रहा है, भटक नहीं रहा है, जब भी वो अलग अलग टाइम पे वो जवाब दे रहा है, एक ही जवाब दे रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। सो हाईली प्रिसाइज, दिस इज द केस ऑफ हाईली प्रिसाइज, वो आदमी जो है वो चोर जो बहुत हाईली प्रिसाइज है लेकिन इनएक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल में उसने चोरी की है और वो कह रहा है कि हम चोरी नहीं किए, सो दिस इज द केस ऑफ इनएक्यूरेट। सो आप इस तरह से इन दो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स वगैरह के बीच में, कहीं आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो कुछ इस तरह से कि आप बहुत प्रिसाइज हैं, आप में प्रिसीजन नहीं है, आप में एक्यूरेसी नहीं है, इनएक्यूरेट है, कोई आदमी बार बार आपने बात से मुकरता है, अभी तो कल ही आप कह रहे थे उस चीज़ के बारे में इस तरह से, आज आप कह रहे हैं इस तरह से, मतलब कि आप यू आर नॉट प्रिसाइज, यू कैन यूज लाइक दिस। सो आई थिंक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो वो भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। एंड थैंक यू। ओके।